हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के अलड़िया स्वागत करता हूं चैनल पे आपका। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग हम पढ़ रहे थे, इससे पहले वीडियो में रेजिस्टेंस हीटिंग हम पढ़ चुके हैं और इंडक्शन हीटिंग पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इससे आगे का टॉपिक, इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस द हीट इज जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क। यहाँ पर जैसे दो इलेक्ट्रोड को अपन पास में लाते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होती है। तो उस प्रिंसिपल पे यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करी जाती है। इन दिस फर्नेस द आर्क मे बी क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग डिफरेंट वेज। बाय स्ट्राइकिंग, ये दो तरीके हैं आर्क प्रोड्यूस करने के। बाय स्ट्राइकिंग द आर्क बिटवीन द चार्ज एंड इलेक्ट्रोड, यानी कि एक इलेक्ट्रोड रखें और चार्ज रखें, चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में जब करंट फ्लो होगा, जब थोड़ा सा गैप देंगे अपन, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस होगी। तो एक तो ये मेथड है, स्ट्राइकिंग आर्क बिटवीन द चार्ज एंड इलेक्ट्रोड। इन दिस मेथड द हीट इज डायरेक्टली कंडक्टेड एंड टेकन बाय द चार्ज। तो यहाँ पर हीट क्या है, डायरेक्ट चार्ज को चार्ज में कंडक्ट करी जाती है डायरेक्ट। द फर्नेस ऑपरेटिंग ऑन दिस प्रिंसिपल इज नोन एज डायरेक्ट आर्क फर्नेस। तो इस प्रिंसिपल पे अगर फर्नेस काम कर रही है तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट आर्क फर्नेस। दीज फर्नेसेस आर यूज फॉर प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील्स। तो ये फर्नेसेस स्टील्स वेरियस टाइप ऑफ ग्रेड्स को, स्टील ग्रेड को हीट करने के लिए काम में ली जाती है। सेकेंड जो मेथड है वो है बाय स्ट्राइकिंग द आर्क बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पिछले मेथड में तो जो सेकंड इलेक्ट्रोड क्या था, चार्ज इटसेल्फ खुद सेकंड इलेक्ट्रोड था, और यहाँ पर सेकंड मेथड में क्या है कि जो आर्क जो है प्रोड्यूस करेंगे दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इन दिस मेथड द हीट इज ट्रांसफर टू द चार्ज बाय रेडिएशन। तो यहाँ पर रेडिएशन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर करेंगे चार्ज में। द फर्नेस ऑपरेटिंग ऑन दिस प्रिंसिपल इज नोन एज इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। तो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस, क्योंकि डायरेक्टली चार्ज में हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, रेडिएशन के द्वारा चार्ज में हीट ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। दीज आर यूज फॉर मेल्टिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स सच एज ब्रास, कॉपर एंड जिंक। तो नॉन फेरस मेटल के लिए ये यूज करी जाती है, जैसे ब्रास, कॉपर और जिंक। There are two types of arc furnaces, direct और indirect। जैसे कई इन मेथड्स में बताया गया था, direct electric arc furnace and indirect electric arc furnace। तो direct electric arc furnace, जैसा कि हमने बताया था, इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में आर्क प्रोड्यूस करी जाती है। The diagram shows a direct electric arc furnace। The chamber of the furnace is lined with refractory material। The arc is struck बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द चार्ज। आर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होती है चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में। थ्री इलेक्ट्रोड्स मेड ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट। यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है वो या तो कार्बन के होंगे या ग्रेफाइट के, आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्नेस एंड थ्री फेज सप्लाई इज गिवन। ये आर वाई बी तीनों फेज के अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये जो चैम्बर है इसका ये ग्राउंडेड होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में करंट फ्लो होगी थ्रू द आर्क। द करंट पासिस थ्रू देम वाया द चार्ज। सिंस द आर्क इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द चार्ज, सो इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस द हाइएस्ट टेम्परेचर बाई डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो यहाँ पर हाइएस्ट टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है इस मेथड के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो आर्क है, आर्क जो चार्ज में से डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है आर्क के थ्रू, तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव हो सकता है। As the arc passes through the charge, it will produce automatic steering action। तो यहाँ पर करंट इसी के द्वारा पास हो रही है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन होगा। The arc has a negative resistance characteristics। Highest resistance falls with the increase in temperature। तो यहाँ पर arc की जो property है वो है negative resistance characteristics होती है उसकी, वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस आर्क का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। दस सम करंट लिमिटिंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड। तो रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसमें क्या है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो अपने को करंट लिमिटिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। इन
in the circuit to prevent short circuit. It may be in the form of a reactor. तो reactor अपन इसमें series में लगा सकते हैं. The direct arc furnace is very commonly used for the production of steel. There is a charging door from where the charge is supplied, and also there is an outlet for molten metal. Molten metal के लिए outlet होगा. The usual size of dielectric arc furnace is 5 to 10 tons capacity. तो ये इसकी usual size है 5 टन से लेके 10 टन capacity का ये चैम्बर हो सकता है. फॉर मेल्टिंग वन टन ऑफ स्टील 1000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम. तो एक टन स्टील को मेल्ट करने के लिए हम 1000 यूनिट्स एनर्जी की कंज्यूम हो जाती है इसमें. सेकेंड है अपना इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस. तो देखते हैं इसकी वर्किंग. द फिगर शोज एन इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस. इन दिस फर्नेस द आर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. यहाँ पर ये देखिए दो अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस करी जाती है और ये हीट रेडिएशन के द्वारा इस चार्ज में ट्रांसफर होगी. एंड हीट सो प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसमिटेड टू द चार्ज बाय रेडिएशन. द टेम्परेचर इज लोअर देन द डाइलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस. तो इसका टेम्परेचर जो है डायरेक्ट आर्क फर्नेस की तुलना में कम होगा. सो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेसेस आर सूटेबल फॉर मेल्टिंग मेटल हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट. तो इसलिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है उनके लिए इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस काम में ली जा सकती है, जैसे कि नॉन फेरस मेटल्स हैं सच एज ब्रास, कॉपर, जिंक. द आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स सो ओनली टू इलेक्ट्रोड्स आर रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर केवल दो इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट अपने को, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क प्रोड्यूस करनी है अपने को. द सप्लाई इज देयर फॉर अ सिंगल फेज. तो यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई काम में लेंगे अपन. सिंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर कंज्यूम्ड सो द फीडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स टू द डायरेक्ट आर्क फर्नेस इज ऑटोमेटिक. द फर्नेस इज सिलेंड्रिकल. जो इसकी फर्नेस है वो सिलेंड्रिकल होती है. सिंस द आर्क डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द चार्ज. यहाँ पर आर्क चार्ज के कॉन्टैक्ट में नहीं आती. सो द ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन विच इज प्रेजेंट इन द डायरेक्ट आर्क फर्नेस इज एब्सेंट. तो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टीयरिंग एक्शन नहीं होगा क्योंकि ये एकदम शिथिल अवस्था में पड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्क इस चार्ज के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है. तो इसके लिए अलग से स्टीयरिंग की जरूरत अपने को पड़ेगी. द फर्नेस मे बी इक्विप्ड विद ऑटोमेटिक रॉकिंग इक्विपमेंट. द पावर फैक्टर वेरीज फ्रॉम 0.7 टू 0.8. द इलेक्ट्रोड मटेरियल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑफ इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस आर सिमिलर टू दैट यूज्ड फॉर डायरेक्ट आर्क फर्नेस. जो इलेक्ट्रोड मटेरियल है वो ही जो डायरेक्ट आर्क फर्नेस के लिए काम में लिए जाते हैं, वही मटेरियल इसके लिए भी काम में लिया जा सकता है. अब इसमें एक और है सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस. इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो दोनों इलेक्ट्रोड जिसके बीच में आर्क प्रोड्यूस करते हैं अपन, उन दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं और चार्ज के बीच में ये डूबी हुई रहती हैं दोनों इलेक्ट्रोड. तो ये दोनों का मिलाजुला रूप कह सकते हैं अपन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. दिस फर्नेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फेरोक्रोम एंड फेरोमैग्नीज. इन सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस द इलेक्ट्रोड्स प्रोजेक्ट डाउन इनटू द चार्ज रिमेंस इमर्स्ड इन इट. तो ये डूबे हुए रहते हैं चार्ज में दोनों इलेक्ट्रोड. एज शोन इन द डायग्राम द पावर फैक्टर इज अबाउट 0.8. तो इसका पावर फैक्टर ठीक होता है 0.8 के अराउंड. द हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द चार्ज. तो यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो चार्ज जितना रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर चार्ज रहेगा, तो जो चार्ज का जो रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि उसी चार्ज के थ्रू करंट फ्लो होगा. तो चार्ज का जो रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी. मोर ओवर पावर इज कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स. तो यहाँ पर जो
पावर कंट्रोल करेंगे अपन इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस को चेंज करके पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, और बाय वेरिंग अप्लाइड वोल्टेज, और इन दोनों इलेक्ट्रोड पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है उसको चेंज करके भी अपन पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। पावर सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। पावर सप्लाई किस टाइप की होती है देखते हैं। द पावर कंजम्पशन ऑफ द आर्क फर्नेसेस इज वेरी हाई, क्योंकि पावर कंजम्पशन काफ़ी होता है आर्क फर्नेसेस का। द आर्क वोल्टेज इज लो बिटवीन 50 to 150 वोल्टेज, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बहुत कम होता है, अपना जो घर में सप्लाई वोल्टेज होता है 230 वोल्ट उससे काफ़ी कम है, 50 to 150 वोल्ट के अराउंड। बट द करंट रिक्वायरमेंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल 100 एम्पियर्स, तो 100 के टर्म्स में अपने को करंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। एज द हीटिंग इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, हीटिंग जो है अपने को पता है आई स्क्वायर आर की टर्म्स में प्रोड्यूस होती है, प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर होती है। देयरफॉर अ हाई करंट इज एसेंशियल टू अचीव हाई टेम्परेचर्स, तो यहाँ पर हाई करंट जरूरी होती है हाई टेम्परेचर के लिए। अ थ्री फेज आर्क फर्नेस ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड पावर सप्लाई, तो थ्री फेज आर्क फर्नेस ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड पावर सप्लाई। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं अपन। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो। आगे की नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग। थैंक यू।